और हाँ, अगर सफदर ने यहाँ फिजा को बुला ही लिया है ना, तो उसको साफ साफ कह दो कि वो तुम्हारी देखभाल के लिए उसको यहाँ बुलाया है, ना कि ये कि वो इस घर को अपना घर समझ बैठे। तुम्हारा ख्याल रखे। फिजा रूम में पढ़ रही है, इसलिए मैं यहाँ आ गई ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। अच्छा, देखो सफदर ने तो मुझे बातें सुना सुनाकर हलकान कर देना है अगर तुम्हारी तबीयत को कुछ हुआ। इसलिए अपना ख्याल रखो और हमारे आने वाले बच्चे का भी। मैं कोशिश करूंगी। मुझे पता है कि तुम्हें दूसरों को खुश करने के चक्कर में ना तुम अपने आप को बिल्कुल भूल गई हो, लेकिन अभी इस आदत को जरा छोड़ दो और अपने ऊपर फोकस करो, अपने हस्बैंड पे फोकस करो। फैजान के साथ कहीं आउटिंग पे जाया करो, जरा अपना हुलिया ठीक रखो। हस्बैंड को बीवी की अटेंशन ही चाहिए होती है जो सिर्फ बीवी दे सकती है। और हाँ, अगर सफदर ने यहाँ फिजा को बुला ही लिया है ना, तो उसको साफ साफ कह दो कि वो तुम्हारी देखभाल के लिए उसको यहाँ बुलाया है, ना कि ये कि वो इस घर को अपना घर समझ बैठे। तुम्हारा ख्याल रखे। समझ आ रही है ना, उसको बता दो।